Good morning, dear students. As you all know that we are doing lesson number 5, acids, bases and salts. And till now we have studied about acids and bases. Today I am going to tell you about indicators. What are indicators? As the name suggests that it indicate about something. Indicate means kisi cheez ke baare mein kuch batana. So indicators we can define as the substance which tells whether the given solution is acidic or basic. कोई भी चीज, कोई भी substance जो हमने अभी तक पढ़े हैं, acidic है या basic है. Acidic means उनमें acids present है, basic means उनमें bases present है. तो आप ये कैसे पता लगाएंगे? Obviously, I have told you that acidic substances are sour in taste and basic substances are bitter in taste. But there are many substances that we cannot taste. बहुत सारे ऐसे substances होते हैं जो हम taste नहीं कर सकते. Because acids and bases, we have learned about strong acids and strong bases. They are very corrosive in nature and it can burn our skin. तो जो ऐसे substances हैं जो हमारी skin को burn कर सकते हैं, we can't taste them. तो कोई भी चीज, कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, हमेशा हम टेस्ट करके नहीं बता सकते. सो हाउ डू वी टेल देम? वी टेल वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स की हेल्प से हम बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. एंड देर आर वन मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस विच वी विल स्टडी लेटर ऑन अबाउट द न्यूट्रल सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस अगर एसिडिक नहीं है और बेसिक भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल. मीन्स उनमें ना एसिड प्रेजेंट है ना बेस प्रेजेंट है. सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स. As it is written here, indicators, a substance which tells whether a solution is acidic or basic. कोई solution acidic है, basic है, वो हमें indicators से पता लगता है. How they tell? अब कैसे पता चलेगा? कैसे indicators बताते हैं कि कोई substance acidic है या basic है? By changing their color. किसी भी substance का color change करके. कोई भी इंडिकेटर, जब हम मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, आई हैव गिवन यू अ सॉल्यूशन एंड आई एम आस्किंग यू टेल मी वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, देन हाउ विल यू टेल मी? यू कैन टेल वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय टेस्टिंग इट विद द इंडिकेटर्स. आप इंडिकेटर्स से पहले देखेंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तब आप मुझे बताएंगे. अब इंडिकेटर से कैसे बताएंगे आप? इंडिकेटर्स क्या करता है ऐसा? इंडिकेटर्स कलर चेंज करता है. तो इंडिकेटर्स एसिड में दूसरा कलर देगा और बेसिस में कोई दूसरा कलर देगा. मींस इंडिकेटर्स का जो इफेक्ट है वो एसिड्स में कुछ और होता है और बेसिक में अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं. देयर आर मेनी इंडिकेटर्स और हर इंडिकेटर का अपना एक अलग कलर होता है. एसिड में अपना एक अलग कलर है और बेसिस में अपना एक अलग कलर है. Now there are two types of indicators. Two types of indicators हैं, natural indicators and synthetic indicators. As the name suggests, natural indicator is a indicator that we get naturally. जो natural substances से indicators मिलते हैं, वो indicators natural indicators होते हैं. Example includes litmus, turmeric, China rose petals, purple cabbage juice. Now what is litmus? We will study all these in one by one in detail. Litmus क्या होता है? हम अभी सब detail में पढ़ेंगे ये, then I will tell you. Turmeric we all know, turmeric is हल्दी. सबके घर में होती है, वो भी एक as a indicator हम उसे use कर सकते हैं. China rose petals. China rose petal, China rose एक flower होता है red color का, जिसको हम hibiscus भी कहते हैं. हिबिस्कस उसका साइंटिफिक नेम है. तो उसके रेड कलर के पेटल्स होते हैं, उससे हम इंडिकेटर बना सकते हैं. नेक्स्ट इज पर्पल कैबेज जूस. कैबेज आप सबने देखी है, ग्रीन कलर की होती है कैबेज, एक पर्पल कलर की कैबेज भी होती है. सो फ्रॉम इट्स जूस वी कैन ऑल्सो टेल वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स?
the indicators that are made by using some chemicals by the man. कुछ केमिकल्स का यूज करके जो मैन इंडिकेटर्स बनाते हैं आर्टिफिशियली, उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं. एंड दे आर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन. मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन आर द टू इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेटिक इन नेचर एंड आर मेड बाय मैन. नाउ लेट अस स्टडी दीज इंडिकेटर्स वन बाय वन इन डिटेल. सो फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस. लिटमस इज अ नेचुरल डाई. नेचुरल डाई है, नेचुरली होती है, हमें उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. कहाँ होती है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर. सबसे कॉमन इंडिकेटर है. कोई भी चीज टेस्ट करने के लिए वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, हम लिटमस पेपर का ही मोस्टली यूज करते हैं. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स. अब जो ये लिटमस डाई है ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें लाइकन से मिलती है. नाउ इफ यू आर आस्किंग व्हाट इज लाइकन्स, देन आई विल टेल यू दैट वी हैव स्टडीड अबाउट लाइकन्स इन लेसन नंबर वन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने लाइकन्स के बारे में पढ़ा था. दैट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड एन एल्गी. एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिससे दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है, उसको लाइकन कहते हैं. नाउ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एंड पेपर स्ट्रिप. अब ये जो लिटमस है ये दो फॉर्म में अवेलेबल है. एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में. सॉल्यूशन मींस मिक्स्ड विद वाटर. डिस्टिल्ड वाटर में हम जो डाई है लिटमस की उसको हम मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा. एंड दैट सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर. पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. तो डिस्टिल्ड वाटर में जब हम उसको लाइकन से डाई जो मिली है उसको डिस्टिल्ड वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो लाइट पर्पल, पर्पल या मॉफ कलर भी बोलते हैं उसको, पर्पल कलर की का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा. तो अब जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो गया दैट इज द लिटमस सॉल्यूशन. जो हमने लाइकन से डाई ली थी उससे जो सॉल्यूशन हमने बनाया पर्पल कलर का, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द लिटमस सॉल्यूशन. पेपर, अब पेपर भी होते हैं लिटमस पेपर. स्ट्रिप्स होती हैं पतली पतली सी, टू टाइप्स के लिटमस पेपर प्रेजेंट है. एक रेड कलर का प्रेजेंट है और एक ब्लू कलर का. सी हियर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, दो टाइप के. तो लिटमस हमें कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के. एक तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो गया, एक पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में हो गया. सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन जो है वो हमारा पर्पल कलर का होता है और जो लिटमस पेपर है वो दो कलर के में अवेलेबल है. वन इज रेड एंड अदर वन इज ब्लू. रेड इज कॉल्ड एज द रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू इज कॉल्ड एज द ब्लू लिटमस पेपर. नाउ व्हाट विल हैपन? अब मान लीजिए वेदर, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ. जब हम लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आई हैव अर्लियर गिवन यू एन एग्जांपल कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है. मैं वो सॉल्यूशन आपको देती हूँ एंड आई एम आस्किंग यू दैट टेल मी वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय यूजिंग दिस लिटमस सॉल्यूशन. देन हाउ विल यू टेल? जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया उसमें मैं लिटमस सॉल्यूशन से बताना है आपको कि ये एसिडिक है बेसिक है, तो कैसे बताएंगे आप? जो सॉल्यूशन है उसमें जो लिटमस सॉल्यूशन हमारा पर्पल कलर का है उसकी कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देंगे. क्या करेंगे? जो सॉल्यूशन जिसमें आपको टेस्ट करना है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसमें जो हमने पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन बनाया है उसकी 2-3 ड्रॉप्स हमने ऐड कर दी. नाउ ऑन एडिंग व्हाट हैपेंस? अगर कलर आपका रेड कलर का हो गया, जो पर्पल कलर था, पर्पल कलर का जो लिटमस सॉल्यूशन था वो जो सब्सटेंस मैंने आपको दिया है उसमें डालने से अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया, दैट मींस द सब्सटेंस इज एसिडिक. लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड इन एसिड्स. एंड अगर ब्लू हो गया सॉल्यूशन, दैट मींस इट इज बेसिस. अगर ब्लू हो गया सॉल्यूशन तो वो आपका बेस है. मान लीजिए अब मैं आपको एक सॉल्यूशन दे बता रही हूँ. सॉल्यूशन है, मैंने लेमन का जूस बनाया है. वाटर है, वाटर में मैंने 1 लेमन को स्क्वीज करके 1 लेमन जूस मिलाया है उसमें, लेमन का जूस. अब मैंने आपको वो सॉल्यूशन दिया.
लिटमस सॉल्यूशन से टेस्ट करने के लिए बताया मैंने, तो उसमें कौन सा कलर आना चाहिए? लेमन इज एसिड, लेमन कंटेन्स एसिड, एसिड होता है ना लेमन में, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट, तो उस लेमन में एसिड प्रेजेंट है और लिटमस सॉल्यूशन से टेस्ट करने पर उसका कलर सॉल्यूशन का किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू रेड बिकॉज इट कंटेन्स एसिड. अब मैं आपको एक सोप सॉल्यूशन देती हूँ. सोप क्या होता है? बेस होता है. तो अब मैंने आपको सोप सॉल्यूशन दिया, अब मैंने पर्पल कलर के लिटमस सॉल्यूशन से आपको टेस्ट करने के लिए बोला, तो सॉल्यूशन किस में टर्न हो जाएगा? ब्लू में टर्न होगा. क्यों? क्योंकि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो बेसिस में जब ऐड करे जाते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अब आपको, जब सब्सटेंस आपको पता था तो आपको कलर का पता चल गया, नहीं पता था तो आप कलर चेंज से बचा सकते हैं. अब मैं आपको कोई भी सॉल्यूशन दूं और मैं आपसे पूछूं कि मेरे को टेस्ट करके बताइए वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, तो आप कैसे बताएंगे? पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन में ऐड करेंगे जो आपको टेस्ट करना है. अगर वो सॉल्यूशन रेड कलर में चेंज हुआ, दैट मींस द सब्सटेंस इज एसिडिक, एंड इफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, देन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज बेसिक. ये लिटमस सॉल्यूशन की बात हो गई. नाउ कमिंग टू लिटमस पेपर, पेपर स्ट्रिप जो होती है, पेपर दो कलर के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. अब मैंने आपको सॉल्यूशन दिया एक, अब मैंने आपको बोला पहले हमने लिटमस सॉल्यूशन से टेस्ट किया था, नाउ आई एम टेलिंग यू टू टेस्ट विद दी पेपर स्ट्रिप, लिटमस पेपर से आपको टेस्ट करना है सॉल्यूशन. तो आप क्या करेंगे? सिंपल, उस सॉल्यूशन में दोनों पेपर स्ट्रिप डालेंगे, रेड स्ट्रिप भी डालेंगे और ब्लू पेपर की भी स्ट्रिप डालेंगे. तो व्हाट हैपेंस हियर, सी, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड इन एसिड्स. Please understand is, please listen to it carefully and try to understand it. Concept clear करने की कोशिश कीजिए. क्या लिखा है यहाँ पे? What it is written? Blue litmus paper turns to red in acids. जो blue color की strip है वो acid में red color की हो जाती है, and the red litmus paper turns blue in bases. और जो red color की strip है वो blue हो जाएगी bases में. अब मान लीजिए आपको सॉल्यूशन पता है, वही मैंने सेम आपको लेमन सॉल्यूशन दिया, अब आप उसको पेपर से टेस्ट कर रहे हैं, पेपर स्ट्रिप से टेस्ट कर रहे हैं, लिटमस पेपर से. दोनों आपने स्ट्रिप डाली, रेड कलर की भी स्ट्रिप डाली, ब्लू कलर की भी स्ट्रिप डाली, तो क्या होना चाहिए? यस, क्या होना चाहिए? ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है एसिड्स में. लिखा है ना यहाँ पे, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड इन एसिड्स. अब क्योंकि मैंने लेमन सॉल्यूशन दिया है आपको, तो लेमन क्या होता है? एसिड होता है, तो सॉल्यूशन एसिड है, तो दैट मींस ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी. जो रेड कलर की स्ट्रिप है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड कलर की ही रहेगी. तो दिस मींस दैट द सॉल्यूशन विच आई हैव गिवन यू, इट इज एसिडिक इन नेचर. अब बेसिक सॉल्यूशन दिया, मान लीजिए मैंने आपको सोप का सॉल्यूशन दिया, वाटर में मैंने थोड़ा सा आपको डिटर्जेंट मिला के दे दिया, डिटर्जेंट इज आल्सो अ बेस. अब मैंने आपको बोला टेल मी वेदर दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय टेस्टिंग इट थ्रू द लिटमस पेपर, देन व्हाट विल वी डू? अगेन यू विल पुट बोथ द स्ट्रिप्स इन इट, दोनों स्ट्रिप्स आप उसमें डालेंगे. अब क्या होगा? क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है तो जो रेड कलर की स्ट्रिप है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी और जो ब्लू कलर की स्ट्रिप है वो एज इट इज ब्लू ही रहेगी. देयर विल नॉट बी अ चेंज इन कलर इन दी ब्लू स्ट्रिप. ब्लू स्ट्रिप में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो बेसिस है वो सिर्फ रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. ब्लू लिटमस पेपर के साथ उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, ब्लू लिटमस पेपर का रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ. सो कीप दैट इन माइंड. ओके, लिटमस सॉल्यूशन क्या करते हैं? लिटमस सॉल्यूशन एसिड्स को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं और बेसिस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं. और पेपर स्ट्रिप क्या होती है? पेपर स्ट्रिप जो एसिड्स में अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर सॉल्यूशन एसिड है, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिस है. Now, if you don't know, if I have given you a random solution, अभी तो मैंने पहले जो example दिया उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको lemon juice दिया है, then I have given you the solution of the
सोप का सॉल्यूशन दिया है डिटर्जेंट मिक्स करके. अभी आपको पता था तो आपने देखा कि जो ब्लू लिटमस है वो लेमन सॉल्यूशन के साथ रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड पेपर स्ट्रिप में कोई कलर चेंज नहीं हुआ. और जो वाटर्स उसके साथ हमने सोप सॉल्यूशन दिया था उसमें क्या हुआ था, उसमें रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में, ब्लू स्ट्रिप में कोई चेंज नहीं था. अब मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ऑब्वियसली मुझे पता है मैं दे रही हूँ तो आपको नहीं पता कि दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. अब आपको बताना है पेपर स्ट्रिप से टेस्ट करके, लिटमस पेपर से टेस्ट करके वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है दोनों रेड बी स्ट्रिप और ब्लू बी स्ट्रिप उसमें पुट कर देंगे, देन यू विल ऑब्जर्व द कलर चेंज. अगर ब्लू स्ट्रिप रेड में कन्वर्ट हुई दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और अगर रेड स्ट्रिप ब्लू में कन्वर्ट हो गई तो दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज बेसिक. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. लिटमस का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अगेन मैं आई एम टेलिंग यू, लिटमस एक नेचुरल डाई है जो लाइकन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, लाइकन से बनाई जाती है. दो फॉर्म में अवेलेबल होता है लिटमस हमें, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में. सॉल्यूशन जो है वो डिस्टिल वाटर में मिक्स किया जाता है जब लिटमस को, तो पर्पल कलर का हो जाता है. और जो पेपर स्ट्रिप्स है वो दो टाइप की होती है, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर, मीन्स रेड और ब्लू दो तरीके के कलर में अवेलेबल है. अब जो आपका सॉल्यूशन है लिटमस सॉल्यूशन, वो एसिड्स के साथ जो कलर चेंज करेगा वो क्या होगा, रेड कलर. अब बेसिस के साथ जो कलर चेंज होगा वो होगा ब्लू. अब पेपर स्ट्रिप क्या है, ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न टू रेड इन एसिड्स एंड रेड लिटमस पेपर विल टर्न टू ब्लू इन बेसिस. नाउ आई होप द कंसेप्ट ऑफ लिटमस पेपर इज क्लियर टू यू. आई थिंक फॉर टुडे दिस इज इनफ. आगे के जो इंडिकेटर्स हैं, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस एंड दिस वन चाइना रोज पेटल्स एंड अबाउट सिंथेटिक इंडिकेटर्स आई विल टेल यू टुमारो बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज इन इट. सो प्लीज बी थॉरो विद द चैप्टर, चैप्टर अच्छे से रीड कीजिए एंड ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. सो मीट यू टुमारो, टिल देन गुड बाय.